रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटखोरी और नगरउटारी में परिवर्तन सभा को किया संबोधित, कहा यात्रा लिखेगा नया इतिहास, लोकतंत्र में लोक लाज को बताया महत्वपूर्ण। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने ईसीएल राजमहल परियोजना की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधरोपण। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी तेज, चुनाव आयोग का 23 सितंबर से दो दिवसीय झारखंड दौरा, तैयारियों की होगी समीक्षा। और जेएसएससी सीजीएल के पहले दिन की परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर संपन्न, मोबाइल इंटरनेट पर रोक का मामला पहुंचा झारखंड हाईकोर्ट, सरकार से जवाब तलब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के झारखंड दौरे की खबर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चतरा के इटखोरी हाई स्कूल मैदान से हजारीबाग प्रमंडल के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य के सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों को लोक लाज की याद दिलाई। परिवर्तन यात्रा के सिलसिले में सभा को संबोधित करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चतरा में मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में स्थानीय हाई स्कूल मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य के सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों को लोक लाज की याद दिलाई। शायद यहां के किसी मुख्यमंत्री को कभी जेल नहीं आया, केंद्र में हम लोग भी सरकार चला रहे हैं, देश के दूसरे राज्यों में भी अब तक सरकार चला रहे हैं। हमारे शिवराज सिंह जी चौहान 18 वर्ष तक लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या कभी आपने सुना इनके ऊपर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप था? मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं उत्तर प्रदेश, क्यों नहीं भ्रष्टाचार का? श्री सिंह ने कहा कि भाजपा द्वारा शुरू की गई यह परिवर्तन यात्रा झारखंड का नया इतिहास लिखने जा रही है। राज्य की जनता अब विकास और सुशासन चाहती है। आज मैं आपको अपील करने आया हूं भाइयों, झारखंड का नया इतिहास इस बार लिख दीजिए मेरे भाइयों, सारे भारत को ही नहीं दुनिया को संदेश दे दीजिए कि भारत कभी भी किसी दागदार व्यक्ति को अपने नेता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। यह संदेश दुनिया को उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास की असीम संभावनाएं हैं, यहां के युवा देश की सुरक्षा में लगे हैं। केंद्र सरकार के कामकाज की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में वंचितों तक विकास की किरण पहुंचाई गई है। पहले भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है, भारत हो रहा है, यह भारत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है, संसद में इस सिलसिले में विधेयक भी पेश किया जाएगा। परिवर्तन सभा को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। डीडी न्यूज के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गढ़वा के नगर उटारे स्थित सिंचाई विभाग मैदान में पलामू प्रमंडल के लिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की और सभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने राज्य सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार दिया। श्री सिंह ने झारखंड के तेज विकास के लिए राज्य में सत्ता परिवर्तन को आवश्यक बताते हुए जनता से समर्थन मांगा। परिवर्तन सभा के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पलामू प्रमंडल के सभी शीर्ष नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए, हम आपको सरकार देंगे, बेदाग सरकार देंगे, काम करने वाली सरकार देंगे, डबल स्पीड से काम करने वाली सरकार होगी, और जो सरकार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी वो डबल इंजन की सरकार होगी। मेरे बहनों भाइयों, केंद्र में भी भाजपा की सरकार और राज्य में भी भाजपा की सरकार। भाजपा की राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा के क्रम में आज गिरिडीह के अंटा मैदान में परिवर्तन सभा का आयोजन हुआ, जिसे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी संबोधित किया।
गिरिडीह के अंटा मैदान में भाजपा की परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप पड़े हैं, अगर विकास हो रहा है तो केवल भ्रष्टाचारियों का। सरकार बनने के पहले बड़े बड़े वादे किए गए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। चाहे वो हमारे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, 5 लाख नौकरी देने की बात हो, माताओं बहनों को 72,000 रुपया चूल्हा खर्च देने की बात हो, जब वो अपनी मांग लेकर जाते हैं तो उन्हें उन पर लाठी बरसाया जाता है और साथ ही साथ उन्हें परेशान किया जाता है। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है। उन्होंने राज्य की महागठबंधन सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। मोदी जी की गारंटी है, जब तक मोदी जी है किसी आदिवासी का कोई आरक्षण, कोई बाय का लाल छीन नहीं सकता है साथियों, यह स्पष्ट रही है। वहीं परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक निर्भय शहबादी ने राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा और विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। आपने देखा होगा झारखंड को उजाड़ने के लिए जो बैठी हुई वहां पर सरकार है, सिर्फ लूट खसोट में लगी हुई है। यहां के खनिज संपदाओं की भयानक लूट हो रही है, उसका बदला कौन लेगा? आपका वोट, आपका एक वोट जो इस परिवर्तन के लिए पड़ेगा और फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने का हम लोग को यहाँ से संकल्प लेके जाना है। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय और जिलाध्यक्ष महादेव दुबे समेत अन्य कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की जिंदगी बदलने और खेती को अधिक लाभदायक बनाने के लिए हमारा कार्य निरंतर जारी है। सोशल मीडिया में एक तस्वीर साझा कर उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्राएं प्रारंभ हो चुकी हैं, मैं भी यात्राओं में जुटा हुआ हूं। झारखंड से कुशासन समाप्त करने के लिए जनता उत्साहित है। इसके साथ ही आज रांची में वर्चुअल माध्यम से कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और किसान कल्याण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में कैथोलिक महाधर्म प्रांत रांची के नए आर्च बिशप विंसेंट आइंद ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनके शिष्टाचार भेंट थी। इस मौके पर आर्च बिशप सतीश, बिशप विनय कंडुलना, फादर अजीत खेस, फादर डेविड खलखो, फादर मुकुल कुल्लू, फादर महेंद्र तिग्गा, पास्टर जे कुजूर और डेविड मौजूद थे। इधर झारखंड दौरे के क्रम में कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने आज साहिबगंज जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजमहल परियोजना के अधिकारियों संग संक्षिप्त समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। कोयला राज्य मंत्री ने राजमहल हाउस में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया और पर्यावरण सुरक्षा और वृक्षारोपण का संदेश दिया। रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ से आज उनके रांची आवास पर विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों और अन्य महिला समितियों से जुड़े सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान संवाद के क्रम में दुर्गा पूजा को लेकर कई तरह के विचार विमर्श हुए। श्री सेठ ने महिला समितियों के साथ बातचीत के क्रम में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा चुनाव के लिए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो को अभियान समिति का संयोजक और चतरा के पूर्व सांसद सुनील सिंह को प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया है। प्रदेश भाजपा के कई नेताओं ने दोनों को नया दायित्व सौंपे जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम भी 23 सितंबर को राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आ रही है। पहले दिन आयोग की टीम राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। उसके अगले दिन 24 सितंबर को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों संग बैठक होगी। गौरतलब है कि राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देशन में विभिन्न स्तरों पर विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले कई महीनों से तैयारियां जारी हैं। राज्य में द्वितीय मतदाता सूची पुनरीक्षण और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी हो चुका है। रांची और खूंटी समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आज जेएसएससी सीजीएल के पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध दिखे।
इधर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कारण आज राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवा सवेरे 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बंद रही। मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रहने का मामला झारखंड हाईकोर्ट भी पहुंचा। अदालत ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या पॉलिसी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इंटरनेट सेवा प्रभावित किए जाने को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष आज जनहित याचिका दायर की गई थी। उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन एवं न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने फिलहाल इंटरनेट सेवा को प्रभावित किए जाने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया और राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है कि राज्य सरकार बताए कि इंटरनेट सेवा बंद किए जाने को लेकर क्या नियम हैं। इस बीच आज काफी लंबे समय तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रहने से लोगों को काफी असुविधा हुई। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार कल भी सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रखी जाएगी। राज्य के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने जहां इसे तुगलकी फरमान करार दिया, वहीं आम लोगों ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई। एक रिपोर्ट। इंटरनेट सेवा बंद रहने के कारण कोडरमा के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इससे बाजार प्रभावित हुआ। ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने के कारण एटीएम के बाहर लंबी कतार लगी रही। ई रिक्शा से लेकर ऑटो चालकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। नेट की सुविधा बंद होने से हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। हम लोग का जैसे स्टाफ पेमेंट में भी दिक्कत हो रहा है। अभी स्टाफ को पेमेंट कहाँ से करेंगे, सुबह से ही नेट नहीं है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो मेरा परेशानी ये है कि मेरा भाड़ा जो रिजर्व वाला जो भाड़ा है दूर वाला, वो तो सब ऑनलाइन मारता है बड़ा। अब तो 10-20-50 वाला तो भाड़ा तो आने वो भी नहीं आ रहा है। वो भी जो स्कूल स्टूडेंट लोग हैं उन लोग भी तो सब ऑनलाइन शुरू कर दिया है। इधर इंटरनेट सेवा बंद किए जाने को लेकर भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि परिवर्तन यात्रा को प्रभावित करने के लिए राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवा बाधित की है। ये सरकार जनहित में कहीं से सही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन रैली से परेशान होकर जान रही है कि जनता परिवर्तन चाह रही है, इसी तरह ये अकबका गई है और इस तरह के गलत निर्णय लेकर इंटरनेट को बंद किया है, जिससे पूरा झारखंड प्रदेश परेशान। इधर राज्य सरकार के इंटरनेट सेवा बंद रखने के आदेश के खिलाफ आज झारखंड उच्च न्यायालय में भी एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल कर जवाब देने को कहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची प्रेस क्लब पहुंचकर पत्रकार दिवंगत रवि प्रकाश के अंतिम दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की और परिवार को ढाढ़स बंधाया। गौरतलब है कि रवि प्रकाश का कल मुंबई में इलाज के क्रम में अस्पताल में निधन हो गया था। रांची प्रेस क्लब में आज उनके पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एक नौजवान पत्रकार रवि प्रकाश जी पत्रकार दुनिया से और हम लोगों के बीच से मैं अब ये नहीं रहे और उनके बारे में कुछ भी कहा जाए बहुत कम है और आज उनके इस पार्थिव शरीर पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और जो उन्होंने अपना मिसाल कायम किया है उस मिसाल को जिंदा रखा जाए। राज्य में मॉनसून कमजोर पड़ा हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। इधर बारिश थमने से एक बार फिर तापमान में कुछ वृद्धि देखी जा रही है। देवघर और गोड्डा में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से कुछ अधिक चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य में 27 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आगामी 23, 24 और 25 सितंबर को कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है।
और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.9 और न्यूनतम 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.5 और न्यूनतम 26.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.2 और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले दिनों लगातार बारिश से जहां आम जनजीवन प्रभावित हो गया था, वहीं मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के तमाम जलप्रपातों की सुंदरता और बढ़ गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। बारिश के बाद कोडरमा के वृंदाहा जलप्रपात की खूबसूरती में भी चार चांद लग गया है। देखिए रिपोर्ट। कोडरमा का वृंदाहा जलप्रपात जिला मुख्यालय से तकरीबन 26 किलोमीटर और रांची पटना मुख्य मार्ग NH-20 से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर कोडरमा प्रखंड के जरगा में स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए सैलानियों को पहाड़ी और जंगली रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते का सफर भी काफी लुभावना है। बारिश के कारण पूरा क्षेत्र हरा भरा हो गया है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। बहुत नज़ारा है और यहाँ पर घूमने में भी बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि बाहर से भी आप आए यहाँ पर घूमें और सरकार के यही आवेदन करेंगे कि यहाँ फिरती और बढ़ा दिया जाए रास्ता तक। प्रकृति की हरियाली के बीच कोडरमा के वृंदाहा जलप्रपात में बारिश के बाद खूबसूरती में कुछ इस कदर निखार आ गया है कि कोडरमा ही नहीं आसपास के जिलों से लोग इसे निहारने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे दोस्तों ने बताया कि बहुत अच्छा जगह है, पहाड़ के बीच है, चारों तरफ एकदम पेड़ पौधा हरियाली है। तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, जगह बहुत अच्छा, एकदम कूल माइंड होके आइए, मजे कीजिए, खूब मजा आता है। मैं ये देखने के लिए आया था कि यहाँ का बहुत नाम है, झुमरी तिलैया वृंदाहा वाटरफॉल का बहुत ज्यादा नाम है। तो बारिश के बाद वृंदाहा जलप्रपात की खूबसूरती में निखार आने के साथ साथ पानी बढ़ने के कारण यहाँ खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में सजग रहना भी जरूरी है। उसको मरम्मत हो और थोड़ा सा और जो रोड का जो बह जाता है पानी से बारिश के वजह से। वृंदाहा में प्रकृति का दिया हर कुछ है, पहाड़ भी है, नदी भी है और झरने भी। आसपास के इलाके में हुई जोरदार बारिश के बाद झरने से पानी का बहाव भी तेज हो गया है, जो काफी लुभावना नजर आ रहा है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। आज विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया। अल्जाइमर बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना और इससे जुड़े नकारात्मक विचारों को दूर करने के उद्देश्य से इस दिवस का आयोजन होता है। डिमेंशिया पर कार्रवाई करने का समय, अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय, इस साल इस दिवस का थीम था। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं अल्जाइमर के लक्षण और उसके प्रबंधन के बारे में। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातें भूलना आम बात है, जो कभी न कभी हम सभी के साथ होता है। लेकिन अगर भूलना अधिक बढ़ जाए और इससे जीवन प्रभावित होने लगे तो बात चिंता की है, क्योंकि ये समस्या अल्जाइमर रोग के कारण हो सकती है। अल्जाइमर एक तंत्रिका संबंधी समस्या है। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं जो विद्युत और रासायनिक संकेतों के जरिए आपस में संचार करते हैं और शरीर द्वारा होने वाली क्रियाओं, सोच और याददाश्त को नियंत्रित रखते हैं। उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क में प्लाक और टैंगल नामक पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के संदेश व संचार को बाधित करते हैं। अल्जाइमर रोगी में ये बदलाव तेजी से होते हैं, जो स्मृति को क्षति पहुंचाते हैं, व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव का कारण बनते हैं। आमतौर पर यह समस्या समय के साथ बढ़ती है और स्थिति बिगड़ने लगती है। इसके कारण व्यक्ति को दैनिक कार्य करने में परेशानी होती है, याददाश्त में कमी, घर का रास्ता भूल जाना, परिवार के सदस्यों और दोस्तों को पहचानने में परेशानी, व्यवहार में बदलाव, बार बार मूड में बदलाव होना, चिड़चिड़ापन, सामान्य कार्य करने में परेशानी होना, जगह और समय का भ्रम होना, नई चीजों को जानने या सीखने में परेशानी, किसी से बात करने में समस्या, शब्दों को बोलने या लिखने में मुश्किल आना, सामाजिक और बौद्धिक कुशलता पर प्रभाव, साथ ही सामाजिक गतिविधियों व काम में भाग न ले पाना, ये सभी अल्जाइमर रोग के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की आयु 60 वर्ष से अधिक है
और भूलना उनके लिए एक समस्या बन गई है, तो जरूरी है कि किसी विशेषज्ञ को दिखाया जाए और ये जाने कि कहीं ये समस्या अल्जाइमर रोग तो नहीं। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू पुलिस ने छापेमारी कर एक होटल से 90 लाख रुपए बरामद किए हैं। ये छापेमारी जिले के मेदनी नगर के मुख्य बाजार स्थित होटल साई इन में किया गया। धनबाद के बागमारा प्रखंड में टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें जिले के अपर समाहर्ता अमित कुमार ने कोयला बालू चोरी रोकने का निर्देश दिया है। बैठक में डीएसपी आनंद ज्योति मिंज भी मौजूद थे। इस दौरान अवैध कोयला और बालू कारोबार रोकने के लिए विचार किया गया। धनबाद उपायुक्त माधुरी मिश्रा ने साइबर अपराध के मामलों में जिले के नागरिकों से सतर्कता बरतते हुए संबंधित पोर्टल या टोल फ्री नंबर पर मामले की रिपोर्टिंग का अनुरोध किया है, ताकि समय रहते इस दिशा में कार्रवाई की जा सके। रामगढ़ विधानसभा अंतर्गत चितरपुर प्रखंड के सुकरी गढ़ा में विधायक मत से पीसीसी पथ, नाली व चहारदीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। विधायक सुनीता चौधरी ने निर्माण कार्य का शिलान्यास करते हुए इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। गिरिडीह के बेंगाबाद चतरा मुख्य मार्ग में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक छोटकी खरगदिया बाजार से अपने घर जा रहे थे। इसी बीच हरीला मोड़ पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। खूंटी के मारंगहादा थाना अंतर्गत रिमिक्स जल प्रपात में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान रांची के हेहल निवासी लकीमनी कच्छप के रूप में हुई है। लकीमनी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटखोरी और नगर उटारी में परिवर्तन सभा को किया संबोधित, कहा यात्रा लिखेगा नया इतिहास, लोकतंत्र में लोकलाज को बताया महत्वपूर्ण। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने ईसीएल राजमहल परियोजना की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधरोपण। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी तेज, चुनाव आयोग का 23 सितंबर से 2 दिवसीय झारखंड दौरा, तैयारियों की होगी समीक्षा। और जेएसएससी सीजीएल के पहले दिन की परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर संपन्न, मोबाइल इंटरनेट पर रोक का मामला पहुंचा झारखंड हाईकोर्ट, सरकार से जवाब तलब।